हेलो दोस्तों, ग्रिड स्मैशर्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ डिफरेंस बिटवीन ऑल्टर एंड अपडेट, जो कि सीक्वल का इंपॉर्टेंट पोर्शन है। और ये इंपॉर्टेंट मैं किस टर्म में कह रहा हूँ, ये मैं चार एस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ। पहला, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, चाहे गेट है, नेट एग्जाम है, केवीएस है, एचटेट है, कोई भी एग्जाम जिसके अंदर सीएस का पोर्शन आ रहा है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा, आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तीसरा, ये आपके प्लेसमेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितनी भी कंपनीज प्लेसमेंट से रिलेटेड अगर डेटाबेस में क्वेश्चन पूछ रही है तो उनके लिए टॉप प्रायोरिटी पे कौन है, एसक्यूएल उनकी टॉप प्रायोरिटी पे है। और चौथा, ये ओसीए दैट इज ओरेकल सर्टिफिकेशन प्रोग्राम के लिए भी, अगर आप ओसीए सर्टिफिकेशन करना चाहते हैं तो आपको बेसिक जो है कॉन्सेप्ट सीक्वल के आने चाहिए। तो मेरी जितनी भी वीडियोज है एसक्यूएल से रिलेटेड, वो सारी के सारी वीडियोज आपको इन चारों एस्पेक्ट को कवर करती है। तो यहां पर स्टार्ट करते हैं ऑल्टर एंड अपडेट के बीच में डिफरेंस। सबसे पहला जो बेसिक डिफरेंस है वो है, ऑल्टर जो है वो डीडीएल कमांड है, दैट इज डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जिसमें हम स्ट्रक्चर को, टेबल को क्रिएट करते हैं, ऑल्टर कर सकते हैं और हम उसको ड्रॉप कर सकते हैं। अपडेट आती है डीएमएल, दैट इज डेटा मैनिपुलेशन। अगर हमने डेटा में कुछ मैनिपुलेट करना है, चेंजेस करने हैं, तब हम यूज करते हैं अपडेट कमांड। अब यहां पे स्टार्ट करते हैं, एग्जांपल से ही मैं यहां पर एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। लेट्स से मेरे पास इंप्लॉय टेबल है और इंप्लॉय टेबल में तीन कॉलम ले लेते हैं, आईडी, नेम एंड लेट्स से सैलरी। अब यहां पे मैं डेटा ले लेता हूं, मतलब टपल्स ले लेते हैं, रोज जिसको हम बोलते हैं। लेट्स से 1A 10,000, 2B 20,000, 3C 30,000, कुछ भी आप कोई भी डेटा जो है यहां पे ले सकते हो। हमने सिर्फ ये डिफरेंस देखना है कि ऑल्टर और अपडेट क्या क्या करते हैं या इनके बीच में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ऑल्टर की, ऑल्टर के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है जिसके अंदर मैंने ऑल्टर की सारी वेरिएशन जो है वो एक्सप्लेन कर रखी है विद कोड, जहां पर मैंने एग्जीक्यूशन के साथ जो है वो एक्सप्लेन किया हुआ है ऑल्टर क्या क्या कर सकता है, कैसे कैसे वो काम करता है। लेकिन यहां पर मैं फिर आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू यहां पर दे देता हूं। ऑल्टर जो है, जब भी हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, मतलब इस टेबल का स्ट्रक्चर जो है, टेबल के स्ट्रक्चर में क्या आता है, टेबल का नेम, टेबल के अंदर कौन कौन से कॉलम्स हैं, जैसे आईडी, नेम, सैलरी कॉलम है, और इनके डेटा टाइप कौन से, जैसे आईडी का इंटीजर हो सकता है, नेम का लाइक वेरकर है, सैलरी का आप इंटीजर ले लो, नंबर ले लो, दीज आर दी डेटा टाइप्स, जहां पे हम सिर्फ स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो अगर आप स्ट्रक्चर की बात करो तो इसको अगर आप छुपो लो, मतलब इस डेटा को अगर आप छुपो लो तो ये आपका बनता है स्ट्रक्चर। अब इस स्ट्रक्चर में अगर आपको कोई भी चेंज करना है, सिर्फ स्ट्रक्चर में, डेटा में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ स्ट्रक्चर में जब भी चेंज करना है, मैं क्या करूंगा, ऑल्टर कमांड को यूज करूंगा। कैसे, पहला एग्जांपल क्या हो सकता है, लेट्स से मुझे एक नया कॉलम डालना है ईमेल, मतलब ऑलरेडी एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, ऑलरेडी क्रिएटेड स्ट्रक्चर में कुछ मैंने अपडेट करना है, कुछ नया लेके आना है, एक नया कॉलम डालना है ईमेल, मैं कैसे करूंगा, ऑल्टर कमांड से। नेक्स्ट, अगर लेट्स सपोज मुझे कोई भी कॉलम डिलीट करना है, मुझे लग रहा है कि यार ये कॉलम अननेसेसरी है, मुझे इसमें नहीं रखना, लेट्स सपोज मुझे यहां से नेम हटाना है, जस्ट फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग, नेम को हटाना है, मतलब इस पूरे कॉलम को यहां से हटाना है, तो मैं कैसे हटाऊंगा, अगेन ऑल्टर कमांड से। मतलब अगर कॉलम ऐड करना है, कॉलम को डिलीट करना है, आई कैन यूज द ऑल्टर कमांड। थर्ड यहां पे टेक्निक क्या है, या थर्ड क्या कर सकते हैं हम यहां पे, लेट्स सपोज मुझे आईडी, यहां पे आईडी का जो डेटा टाइप है वो है इंट, और मुझे कल को इसको चेंज करना है इंट से वेरकर में। अब इंट से अगर वेरकर में चेंज करना है, मतलब कुछ भी डेटा टाइप चेंज करना है, लेकिन वो कोरस्पोंडिंग टू द डेटा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपने डेटा जो है वो वेरकर डाल रखा है और कल को आप इंट में चेंज कर रहे हो, नहीं, मतलब कंडीशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो तब मैं बात कर रहा हूं यहां पे कि अगर आपको लेट्स सपोज इंट से वेरकर करना है तो मतलब आप डेटा टाइप में चेंज कैसे करोगे, ऑल्टर या अपडेट, ऑल्टर से। और फोर्थ वन यहां पे क्या कर सकते हो, लेट्स सपोज कि कोई भी डेटा टाइप ले लो, यहां पे लेट्स से नेम है और नेम का डेटा टाइप है वेरकर। अब वेरकर का साइज लेट्स से मेरे पास 10 है, अब मुझे लेट्स सपोज 10 से 20 करना है, मतलब जो इसकी विड्थ है, जो इसके नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इसके अंदर आ सकते हैं वेरकर में, वो बाय डिफॉल्ट यहां पे मैंने 10 रख दिए, कल को मुझे साइज जो है वो बढ़ाना है। नेम्स जो है वो एम्प्लॉइज के अब बड़े बड़े आ रहे हैं, तो बड़े बड़े नेम्स को स्टोर करने के लिए मैं चाहता हूं कि वेरकर का साइज 10 से 20 करूं, 30 करूं, कैसे करूंगा, अगेन ऑल्टर से। और लास्ट हम ऑल्टर से क्या कर सकते हैं, अगर मुझे कॉलम का नेम चेंज करना है, लेट्स सपोज आईडी है, मुझे आईडी का जो नेम है वो आईडी से मुझे करना है, लेट्स
लिए लेट से इंप्लॉई आईडी, तो मैं कैसे चेंज करूंगा इसको ऑल्टर की हेल्प से। और यहां पे अगर टेबल का भी नेम चेंज करना है, लेट सपोज टेबल का नेम है इंप्लॉई और मुझे इसको करना है इंप्लॉई डिटेल, जस्ट फॉर एग्जाम्पल हम यहां पर ले रहे हैं, तो अगर टेबल का नेम चेंज करना है कैसे करेंगे, अगेन ऑल्टर से। और इसकी कमांड क्या है, मैंने पहले ही आपको बताया कि मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है कि जो भी कमांड्स हैं वो आपको उस वीडियो में मिल जाएंगी, तो आप एक बार वो वीडियो जरूर चेक कर लें जिसमें सारी कमांड्स जो है वो कवर की हुई है। अब हम आते हैं अपडेट के अंदर। अपडेट क्या काम करता है, अपडेट काम करेगा सिर्फ डेटा के ऊपर, मतलब लेट्स सपोज ये डेटा है यहां पे, अब अगर मुझे सिर्फ इस डेटा के ऊपर कुछ भी चेंजेस करने हैं, कोई भी यहां पे स्ट्रक्चर के अंदर चेंज नहीं होगा, जब भी चेंज होगा क्या डेटा के अंदर ही चेंज होगा। क्या चेंज कर सकते हो, लेट्स सपोज मुझे सैलरी चेंज करनी है, मतलब मुझे लेट्स से अगर मैं यहां पे कमांड लिखता हूं अपडेट टेबल नेम, लेट्स से टेबल का नेम हम इंप्लॉई ले लेते हैं, अपडेट टेबल नेम इंप्लॉई सेट सैलरी, इसके अंदर हम तीन कीवर्ड यूज करते हैं, पहले अपडेट के साथ टेबल का नेम, सेट किसको सेट करना है मतलब किसके अंदर चेंजेस करने हैं, कौन सा कॉलम, लेट्स से मुझे सैलरी के अंदर करने हैं, तो मैं कर दूंगा सेट सैलरी इज इक्वल टू लेट्स से सैलरी मल्टीप्लाई बाय टू, मुझे सैलरी को क्या करना है डबल करना है, तो मैंने क्या किया सैलरी इज इक्वल टू सैलरी मल्टीप्लाई बाय टू। तो अगर आप इस कमांड को एग्जीक्यूट करोगे तो क्या होगा, इस कमांड को एग्जीक्यूट करते ही सारी की सारी सैलरीज जो है वो आपकी डबल हो जाएंगी, सारी की सारी सैलरीज आपकी क्या हो जाएंगी डबल हो जाएंगी। तो यहां पे हम अपडेट से, और ये कमांड मैं पहले भी मैंने आपको बताया सारी कमांड्स मैं ओरेकल के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहा हूं, ओरेकल मतलब ओरेकल 9i 10g 12 पे 16 पे, अगर आप यहां पे कमांड लिख रहे हो तो आपकी यही सिंटेक्स बनेगा, क्योंकि माई सीक्वल में या सीक्वल सर्वर में कई बार सिंटेक्स का थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, लॉजिक सेम ही रहता है, तो मैं सारी की सारी कमांड ओरेकल के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहा हूं, तो अगर आप ये कमांड डायरेक्ट ओरेकल 9i 10g पे कोई भी ओरेकल के सर्वर पे चलाओगे तो एज इट इज रन हो जाएंगी। तो यहां पे अपडेट इंप्लॉई सेट सैलरी इक्वल टू सैलरी इंटू 2 किया तो सैलरी डबल कर दी। इसके साथ मेरे पास एक और वेरिएशन क्या है, मैं यहां पे वेयर क्लॉज भी लगा सकता हूं, मतलब मैं कंडीशन भी दे सकता हूं कि मुझे जरूरत थोड़ी ना कि सारे एम्प्लॉइज की सैलरी चेंज करनी है, मुझे लेट्स सपोज एक ही एम्प्लॉई की सैलरी चेंज करनी है, वो काम अच्छा कर रहा था, मुझे उसकी सैलरी लेट्स सपोज डबल करनी है, तो क्या करेंगे सेट सैलरी इक्वल टू सैलरी इनटू 2, कुछ भी आप फॉर्मूला लगा सकते हो, वेयर यहां पे आपको कंडीशन देनी पड़ेगी, मतलब लेट्स सपोज आप आईडी 1 की सैलरी डबल करना चाहते हो तो यहां पे कंडीशन दे दो वेयर आईडी इज इक्वल टू 1। तो इस तरीके से आपको कोई ना कोई कंडीशन आईडी के पॉइंट ऑफ व्यू से, नेम आप दे सकते हो, अगर आपको नेम पता है आप नेम के पॉइंट ऑफ व्यू से सैलरी चेंज कर सकते हो, आप किसी भी एम्प्लॉई का नेम चेंज कर सकते हो, आईडी चेंज कर सकते हो, सैलरी ईमेल कुछ भी, जब भी आपको डेटा के अंदर चेंजेस करने हैं तो हम अपडेट को यूज करते हैं, और अगर आपको स्ट्रक्चर के अंदर चेंज करने हैं तो स्ट्रक्चर में हम करते हैं किसके थ्रू ऑल्टर कमांड के थ्रू। तो ये है बेसिक डिफरेंस बिटवीन ऑल्टर एंड अपडेट। थैंक यू।